गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स। आज हम ऐसी लोकेशन में आए हैं जो 125 सेक्टर खरड़ में है, जो 200 फुट रोड पे है। ये लोकेशन में बेसिकली 30 घर है जो 100 गज के हैं। आओ अब हम इसकी डिटेल्स आपको पूरी बताते हैं एंड आपको घर का टूर दिखाते हैं। हम सबसे पहले एंटर करते हैं अपने पॉर्च एरिया में। ये पॉर्च एरिया का जो साइज है वो बेसिकली आपका 8x10 का साइज है। इसमें आप अपनी 2 से 3 बाइक्स खड़ी कर सकते हो। और हमारी जो आप बाहर रोड देख रहे हो, ये 25 फुट की रोड है। इसमें भी आप अपनी 2 से 3 बाइक्स खड़ी कर सकते हो, साथ में आप अपनी एक गाड़ी भी पार्क कर सकते हो। आप देख रहे होंगे ये जो गेट है, ये हमने एक वुडन लुक में गेट दिया है। वैसे ये जो गेट है ये एक लोहे का गेट है, बट ये जो ऊपर हमने इतने लुक दिया हुआ है, प्रॉपर एक वुडन लुक दिया हुआ है ताकि एक गेट अच्छा लगे। यहाँ पे हमारी सीढ़ियां जाती हैं, जहाँ पे हम अपना बेसिकली एक इन्वर्टर रख सकते हैं और यहाँ पे हम अपना एक सिलेंडर भी रख सकते हैं। इसी के साथ हमारी गैलरी आ जाती है, जहाँ पे हमने एक छोटा सा वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप बाहर देख रहे हो कि हमने पेंट का वो यूज किया हुआ है एंड साथ में लाइट्स दी हुई है, जो एक घर को अच्छा प्रीमियम लुक देती है। इसी के साथ हमने काफी बड़ी विंडो दी हुई है, जो आपकी सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए जरूरी होती है। एक बड़ी विंडोज ना घर के अंदर जब होए तो वो एक घर को बहुत ही बड़ा बड़ा लुक देती है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज है जो बेसिकली बिल्डर हमेशा क्या ध्यान में रखता है। एंड जो आप फ्लोरिंग देख रहे हो, ये सारी जो फ्लोरिंग है ये ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है। सेम ग्रेनाइट हमने सीढ़ियों पे भी यूज किया हुआ है। इसी के साथ हमारा घर का एंट्रेंस आता है। घर के एंट्रेंस में आप देख रहे हो एक काफी अच्छा जाली का दरवाजा है, जो पूरे आपके 8 फीट तक है। और ये इसका जो साइज है वो 8x3 का है। ये जाली का डोर जो है वो प्रॉपर एक वुडन लुक में दिया हुआ है और सॉलिड डोर है। इसी के साथ हमारा एक मेन डोर आ जाता है। ये मेन डोर की भी आप लुक देख रहे हो, बहुत ही प्रीमियम लुक है। काफी अच्छा डिजाइन यूज किया हुआ है इसमें, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ये भी 8 फीट तक रहता है। और इसी के साथ हम एंटर करते हैं अपने ड्राइंग और डाइनिंग में। जो ड्राइंग और डाइनिंग है, इसका जो साइज है वो 16x12 का है। यहाँ पे आप अपना 7-9 सीटर का सोफा रख सकते हो, एक छोटा सा टेबल रख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे पीछे एक वॉल आ जाती है, साथ में ही हमारा फॉल सीलिंग का काम भी हुआ हुआ है। यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे काफी अच्छा वॉलपेपर का यूज किया हुआ है एंड साथ में लाइटिंग का भी यूज किया हुआ है। इसी के साथ हम एंटर करते हैं अपने किचन में। जो किचन का साइज है ये बेसिकली 12x8 का साइज है। इसमें हमने ग्रेनाइट का काम किया हुआ है, डबल सिंक है विद टैप्स। यहां पे आप देख रहे होंगे हमने यहां पे विंडो दी हुई है ताकि आपकी वेंटिलेशन एंड एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है। यहां पे हमारे अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं, साथ में ही हमारे लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं विद अ गुड प्रोफाइलिंग। इसी के साथ आप देख रहे होगे यहां पे काफी अच्छा टाइल का काम हुआ है और ये ड्यूल टोन टाइल है। ये सारी 2x6 की ही टाइल्स लगी हुई है पूरे किचन में। नीचे भी जो आप फ्लोरिंग देख रहे हो ये 2x6 4 की टाइल्स है। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। नीचे हमारे पास 2 बेडरूम है जिनका सेम साइज है, वो है 12x12 का। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कवर मोल्डिंग दिखाना चाहूंगा जो एक वुडन लुक में है। इस पे पेंट हुआ हुआ है। इसी के साथ हमारा कमरे का दरवाजा आता है।
जो बहुत ही प्रीमियम दरवाजा है। ये 7 फीट तक है। बेडरूम में हमें पीछे वॉलपेपर मिलता है, साथ में ही हमें पीछे लैंप मिलता है। इसी के साथ हमारे कबर्ड्स आ जाते हैं जो एक स्लाइडिंग कबर्ड्स है। इसी के साथ हमारा ड्रेसिंग टेबल भी आ जाता है जो सेम वुडन लुक में है। इसका पूरा कंसेप्ट ही इस रूम का वुडन लुक वाला है। आप देख रहे हो कि एक काफी बड़ा पड़ा हुआ है, फिर भी काफी स्पेस है इसके अंदर वॉक करने के लिए भी आपके कबर्ड्स के बीच में। यहाँ पे हमारा LED पैनल आ जाता है। इसी के साथ हमारा दरवाजा आ जाता है जो पीछे हमारा वॉशिंग एरिया की तरफ जाता है। हमारा रूम के साथ ही हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में हमने ड्यूल टोन टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी के साथ हमारे फिटिंग्स आ जाते हैं जो शावर फिटिंग्स हैं। हमारा वॉश बेसिन आ जाता है, एंटी स्किड टाइल्स आ जाती है, साथ में हमारा सीट आ जाती है। पीछे हमने एक छोटी सी विंडो दी हुई है वेंटिलेशन एंड सनलाइट के लिए, जो बहुत जरूरी है घर में। इसी के साथ अब हम एंटर करते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम का भी जैसे मैंने आपको पहले साइज बताया था, ये 12x12.5 का है। सेम टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, सेम डोर। यहाँ पे हमारा वॉलपेपर आ जाता है, साथ में हमारे लैंप्स आ जाते हैं। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ है। यहाँ पे हमारे स्लाइडिंग कबर्ड्स आ जाते हैं, साथ में ड्रेसिंग टेबल आ जाता है हमारा। यहाँ पे हमने शो के लिए एक टीवी भी लगा के रखा हुआ है जो एक 32 इंच का टीवी है। यहाँ पे आप आराम से 43 इंच का भी टीवी लग सकते हो और टीवी पैनल भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशिंग एरिया जो हमने आपको साथ वाले रूम में भी दिखाया था। अब हम एंटर करते हैं अपने वॉशरूम में। इस वॉशरूम में भी हमने ड्यूल टोन टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। जैगवार की हमारी फिटिंग्स है, हमारा वेंटिलेशन के लिए भी है एंड जो जो रिक्वायर्ड है सैनिटरी की आइटम्स वो सारी हमारी लगी हुई है। इस वॉशरूम का जो साइज है वो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, ये बेसिकली आपका 7x5.5 का साइज है इस वॉशरूम का। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहां पे हमारा तीसरा बेडरूम है। ये आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये हमारी ग्रेनाइट की सीढ़ियां हैं, ये हमारी स्टील की रेलिंग यूज हुई हुई है। अब हम एंटर करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। जो थर्ड बेडरूम का साइज है वो बेसिकली आपका 11.5x13.5 का है। ये हमारा एक मास्टर बेडरूम भी है। यहां पे हमने सेम वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है, फॉल सीलिंग एंड हमारी कबर्ड्स आ जाती है। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है जिसका साइज 7.5x5.5 का है। काफी बड़ा वॉशरूम है ये। हमने यहां पे भी काफी बड़ी विंडोज लगाई हुई है और काफी अच्छा काम हुआ है रेलिंग का भी। यहां पे अगर कभी आपकी लाइट भी जाती है तो आपको कोई इशू नहीं आता, आपकी प्रॉपर सनलाइट आपको मिलती है। हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा आ जाता है साथ में टेरेस।
टेरेस में हमने एक पीछे काफी अच्छी लुक दी हुई है, ये बेसिकली वॉलपेपर है बट ये ऐसा लगता है जैसे वुडन लुक में हमने ये दीवार बनाई हुई है। इसी के साथ हमारा टेरेस आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम अगर कोई एक छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं 12-15 लोगों की, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी सीढ़ियां आ जाती है जो बेसिकली हमारे ममटी पे जाती है। ये ममटी पे बेसिकली हमने दो टैंक्स रखे हुए हैं 1000-1000 लीटर के। अब मैं आपको डिटेल देता हूं इस पूरे घर के बारे में। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये 125 सेक्टर में है जो बेसिकली आपका सनी इंक्लेव के पीछे पड़ता है। यहाँ पे हमने टोटल 30 विला बनाए हैं और ये जो साइज है ये 100 गज का है। इसमें हमारे 3 बेडरूम है, 3 बाथरूम है, ड्राइंग डाइनिंग है और हमारा एक टेरेस है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लोन का, हर बारी लोग पूछते हैं कि लोन कितना अवेलेबल होता है एंड हमारा क्या सिस्टम रहता है बैंक्स की तरफ से। जो लोन है वो हमारा 80% हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो हमारा गवर्नमेंट बैंक हो। आप हमें डिटेल्स के लिए भी कॉल कर सकते हो, जो नंबर्स है वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दिख रहे होंगे। आप किसी नंबर पे भी कॉल करके हमारे से डिटेल्स ले सकते हैं इस विला के बारे में और विजिट अपनी बुक करा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे एंड वेबसाइट पे जाके डिटेल्स भी ले सकते हो एंड फॉलो भी कर सकते हो हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज यार जाके सब्सक्राइब भी है, उस पर भी जाके बटन पे दबाओ। ये सब्सक्राइब का हमारा बटन है, सो आप यहाँ पे भी जाके दबा सकते हो। हमारी पहले जो पिछली वीडियोज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी, ये आई बटन पे, वहां पे जाके भी आप हमारी पुरानी वीडियोज देख सकते हो और हमारे और लोकेशन के भी वीडियोज देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।